हेलो, आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं नीतू कुमार और मैं आज बात करूंगी देश भर के हीरो बन चुके सोनू सूद की। उनके बारे में मैं कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताऊंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते हो। सोनू सूद जो कि कह सकते हैं कि अपनी फिल्मों के लिए कभी उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितना अभी कोरोना काल में मजदूरों को की मदद करने के लिए उनकी चर्चा हो रही है। सोनू सूद ने एक बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स जब तमाम पीएम केयर्स फंड में और बॉलीवुड से जुड़े दूसरे संस्थाओं में लगातार डोनेशन दे रहे थे, ऐसे वक्त में सोनू सूद जो है उन्होंने डायरेक्ट मजदूरों की मदद करने की सोची और उनका ये मदद जो है ये वाकई में कह सकते हैं कारगर साबित हुआ। मजदूरों को जो मजदूर महीनों से मुंबई में फंसे हुए थे, उनके पास खाने पीने को पैसे नहीं थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, जिस मकान में वो रहते थे वहाँ किराए के लिए उनको परेशान किया जा रहा था, ऐसे में आमदनी नहीं थी और उन मजदूरों के ऊपर जो है कह सकते हैं कि वो आर्थिक संकट में थे और वो हर हाल में अपने घर जाना चाहते थे, और ऐसे में सोनू सूद जो है उनके मसीहा बनकर सामने आए और उनको उन्होंने मदद पहुंचाई। ये तो हुई और उसके बाद से जो है लगातार पिछले एक महीने से वो लगातार मजदूरों की मदद करते आ रहे हैं और सोनू सूद की जो चर्चा है वो ख़त्म नहीं हो रही। लगातार उनके बारे में बातें हो रही हैं, लगातार लोग जो है उनके बारे में नई बातें जानना चाहते। तो आज हम भी कुछ बातें आपको बताते हैं कि सोनू सूद जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के मोगा शहर के रहने वाले हैं और उनके पिता जो थे उनका अपना एक व्यापारी थे, उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा सा बॉम्बे क्लॉथ सेंटर उनका एक दुकान था। मम्मी उनकी प्रोफेसर और मम्मी चाहती थी कि बेटा जो है वो कुछ ऐसा काम करे जिससे पढ़ाई लिखाई वाला कुछ काम करे, इस वजह से उन्होंने उनको इंजीनियर बनाने का सोचा और नागपुर उनको इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया गया और वहाँ पे सोनू सूद ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर ली। लेकिन उसी दौरान कह सकते हैं कि सोनू सूद को जो है हीरो बनने का चस्का लग गया, एक्टिंग करने का कीड़ा कह सकते हैं उनको काट गया और उन्होंने अपनी मम्मी से एक साल का चांस मांगा कि आप मुझे बस एक साल का मौका दीजिए, अगर मैं बॉलीवुड में हीरो नहीं बन पाया तो मैं आप जो कहेंगी आप कहेंगी तो मैं पिताजी की कपड़े की दुकान संभाल लूँगा। मम्मी ने उनको जाने दिया। सोनू सूद मुंबई पहुंचे, लोकल के धक्के खाए, चार पांच लोगों के साथ मिलकर एक कमरे में रहते थे, स्टूडियोज के चक्कर काटे, तस्वीर अपनी प्रोफाइल लेकर जगह जगह घूमे और उसी दौरान उनको जो है कई जगह उन्होंने ऑडिशंस दिए, बात नहीं बन रही थी। तभी एक जगह उनको पता चला कि साउथ की फिल्म में उनको काम मिल सकता है। उन्होंने सोचा अगर बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है चलो साउथ में ही कुछ ट्राई करते हैं, और वो जो है ट्रेन से चेन्नई पहुंचे और वहां पे उन्होंने ऑडिशन के लिए गए। वहां सोनू सूद जो है देखने में काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी फिजिक भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है। वहाँ पर उनको फिल्म मेकर ने कहा कि आप अपनी बॉडी दिखाइए, पहले उन्होंने दिखा दी और बॉडी की बहुत तारीफ हुई और वो फिल्म के लिए चुन लिए गए। तो इस तरह जो है तमिल फिल्म से सोनू सूद की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म की, फिर शहीदे आजम एक बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उन्होंने भगत सिंह का रोल किया, उस फिल्म से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सी फिल्मों में आपने उनको देखा, आपने उनको दबंग फिल्म में छेदी सिंह के रोल में देखा और वो जो रोल है उनका यादगार रहा। उसके बाद आपने उनको सिंह इज किंग में देखा, आर राजकुमार में देखा, बहुत सारी फिल्मों में सोनू जो है विलेन के रोल में, तो कभी रमैया अवस्था में एक बहुत अच्छे भाई के रोल में दिखे, तो उन्होंने तरह तरह के रोल किए। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान के साथ दिखे। तो सोनू सूद का करियर जो है कह सकते हैं हीरो के तौर पर तो नहीं, हाँ एक साइड हीरो के तौर पर चल रहा था, फिल्मों में अच्छा रोल उनको मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान आपको हम सोनू सूद की फैमिली की बात करें तो सोनू सूद ने अपनी क्लासमेट से शादी की और उनकी वाइफ जो है साउथ इंडियन है, उनका उनके बच्चे भी हैं और उनकी माता जी अब नहीं रही। सोनू जो है अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी माँ के निधन जो है उनकी लाइफ को कहते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है। और सोनू के बारे में कहा जाता है कि आज आपने उनकी दरिया दिली, अपनी बहनों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई में अपनी बहन के लिए घर खरीदा और उसके बारे में उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की थी कि आजकल वो अपनी बहन के घर के इंटीरियर को देख रहे हैं, बहन को उन्होंने घर गिफ्ट किया। और मुंबई के लोखंड वाला इलाके में वो रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना एक शानदार घर बना रखा है, परिवार के साथ खुश हैं और लंबे समय से सोनू जो है मुंबई वासी हैं और मुंबई में
अच्छा फिल्मों में काम कर ही रहे हैं, कई चैरिटीज से भी जुड़े हुए हैं, और इन दिनों कोरोना के का जो ये टाइम है, इस समय सोनू सूद जो है वाकई देश के हीरो बन के उभरे हैं और हर कोई उनके बारे में बातें जानना चाहता है। हर दिन सोनू सूद से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती है। अगर हम आज की बात करें तो सोनू सूद ने हाल ही में 2000 लोगों को ट्रेन से उनके घर भेजा है, उनको ट्रेन का टिकट दिया, उनसे वो मिलने स्टेशन तक गए, तो हर रोज उनके बारे में नई कहानियां आ रही हैं, नए किस्से आ रहे हैं। सोशल मीडिया में उनको सुपर हीरोज बना दिया गया है, सुपर हीरोज तमाम उनके पीछे चल रहे हैं और सोनू सूद आगे चल रहे हैं। एक से बढ़कर एक सोनू सूद के ऊपर जो है कह सकते हैं क्रिएटिव्स बन रहे हैं और लोग जो है उनके बारे में बात करना बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग उनके बारे में और कुछ बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। तो हमने भी कोशिश की कि चलिए सोनू सूद के बारे में कुछ निजी बातें जो है उनके बारे में हम बताएं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।